We would like to now call Kavita Krishnan. Kavita Krishnan is, of course, a well-known activist to the women's movement. She's the secretary of the All India Progressive Women's Association and is the editor of the monthly Liberation. Kavita. Thank you, Rahul, and everybody here. I think that the news of Gauri's assassination, that is something that all of us here are probably still struggling to cope with, because those of us who knew her and associated with her, and that's a very large number of people, because she had a very big heart and she reached out to a variety of people with a variety of social concerns and touched all those lives. तो गौरी की हत्या के बारे में सुनने के बाद जो अभी तक इसके बारे में बोलना या लिखना मेरे खुद के लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या कहें इसके बारे में, क्योंकि गौरी का कि एक बात मुझे ज़रूर लगी कि हम जैसे लोगों को, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो 3 साल से ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तो बहुत ही फालतू हैं, आप तो बेकार हैं, आप जो कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि हत्या की लिस्ट में जब रखा जाता है कि आपको इतना डर लगता है किसी की बेबाकता से, किसी की बेबाक ज़बान से, तो इसका मतलब है कि वो फ्यूटाइल तो बिल्कुल नहीं है, बेकार और फालतू तो बिल्कुल नहीं है। आप हम लोगों की गिनती, अगर आपकी माने हत्यारे जब हम लोगों की गिनती अपने हिट लिस्ट में करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो बैज ऑफ ऑनर है। वो हम सब लोगों को बिल्कुल स्वागत करना चाहिए कि अच्छा है, हमारी भी, जैसे ब्रेस्ट ने की कविता में है, जिस कवि ने कहा कि, जिस लेखक ने कहा कि किताबें जला रहे हो, और मेरी किताब को नहीं जलाया, कैसे नहीं जलाया, लिस्ट में शामिल करो, उस तरह से कहना है। हम सब शायद यहाँ यही कहने के लिए आ रहे हैं कि गौरी के लायक हम लोग नहीं हैं, लेकिन गौरी के लायक बनने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके बुलेट के लायक बनने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक और बात जो मुझे लगी कि गोली किसने चलाई, ये तो यहाँ कई लोग कह रहे हैं कि गोली किसने चलाई, कौन माने कौन वो शख्स था जिसने चलाया, वो कब पता चलेगा ये तो हमें पता नहीं। गांधी के हत्यारों के बारे में भी नथुराम गोडसे का नाम ज़रूर पता लगा, लेकिन नथुराम गोडसे को बंदूक किसने दी, ये चीज़ें जानते हुए भी अनजान रखी गई और वो पूरा कभी एक्सपोज नहीं हुआ। आज भी डाबोलकर हो, कॉमरेड पानसरे हो और प्रोफेसर कलबुर्गी हो, और अब गौरी हैं, गौरी लंकेश हैं, इनके बारे में भी ये तथ्य कब निकलेंगे, ये सरकार पर है, पुलिस पर है, और हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन हम और कुछ कर सकते हैं, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हत्या का माहौल खड़ा करने वाले जो लोग कहते हैं, वो एक फेमस प्ले है बेकेट नाम का, जिसमें कहा जाता है that there's a king who is wanting to get rid of Beckett. So he says, who will rid me of this meddling priest? कौन हत्या करेगा इसका, कौन मार डालेगा मेरे लिए। वो ये नहीं कह रहा कि जाओ हत्या करो, लेकिन कोई हत्या करने लायक है इस चीज़ को ज़रूर कहने वाले लोग हैं। वो कौन लोग हैं, उनके नाम तो मेरे ख्याल से उजागर करना और सबके सामने उसे मुद्दा बनाना, कि वो तो बहुत लोग कह चुके हैं कि जो लोग हत्या पर खुशियां मना रहे हैं। दाभोलकर की हत्या पर सनातन संस्था ने कहा, दिस इज गॉड्स विश, भगवान की इच्छा थी इसलिए वो मारे गए। और यूआर अनंतमूर्ति की मौत हुई, हत्या नहीं हुई, मौत हुई, लेकिन उस पर मिठाई बांटने, उस पर फायर क्रैकर्स चलाने, वो किन लोगों ने किया। और इन सभी हत्याओं को, गौरी की हत्या को सेलिब्रेट करने वाले, गंदी गंदी गालियां देते हुए वो प्रधानमंत्री खुद ट्विटर पे फॉलो करते हैं, ये सबके सामने है। और हत्याओं की लिस्ट जारी कर रहे हैं कई लोग, ये सबके सामने है। मैं लेकिन एक और बात भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर जो लोग हमेशा से, मैं देखती आ रही हूँ, ये कहने की कोशिश करती है कुछ फ्रिंज है, कुछ फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन, कुछ फ्रिंज लोग, तो फ्रिंज को तो उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बिठा दिया गया सबके सामने। और ये जो लोग टीवी चैनल्स हैं, जिनको मैं न्यूज़ चैनल्स नहीं कहना पसंद करती, क्योंकि वो लोग हत्या भड़काने वाले चैनल्स हैं, सुपारी चैनल्स हैं। ये जो चैनल्स हैं, ये लोग जब कहते हैं कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग, when they brand dissenters as anti-nationals, when they run hashtags saying anti-national gang, who are the members of those gang, of that gang? Was Gauri Lankesh not a member of that gang? Some of us are named on those channels. I have been named as a lawyer for the Lashkar-e-Taiba. इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं और हम लोग कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से हम सारे लोग ही कोशिश करते हैं कि रोज़ ये जो गालियों धमकियों का माहौल है उसको हम हंस के मजाक में उड़ाएं ताकि हम जिंदा रह सकें, ताकि हम अपना काम कर सकें और बहुत परेशान ना हों। लेकिन ये ऐसा हम करते हैं, इसकी वजह से ये हल्का हो नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि ये हम में से हर किसी को, और मैं याद रखिए कि उसमें एक आध इक्का दुक्का के नाम हो सकता है आप लोग सुनते हो और हम जानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो सब इस तरह के सोचने वाले लोगों को इसी तरह की धमकी और हिंसा का माहौल बना रहे और कह रहे हैं इट्स ओके टू मार्क एक्स ऑन देयर हेड्स, इट्स ओके टू मार्क दिस पीपल आउट एज एंटी नेशनल्स एंड विद एंटी, इफ समबडी इज एंटी नेशनल यू नो इट्स ओके टू डू समथिंग टू देम। उनका बलात्कार हो जाए, भाई जो देश प्रेमी नहीं है, देश विरोधी है, उसका कुछ हो जाए तो हो जाए। और एक आखिरी बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है अगर मीडिया के कोई भी यहाँ मौजूद हो, जो लोग मौजूद हैं अपने कैमरास के साथ, अपने कलम के साथ में, अगर आप में सचमुच में कोई भी कॉन्शियंस है तो आपसे मेरी उम्मीद है और अपील है कि आप इस तथ्य पर ध्यान दें, क्योंकि सनातन संस्था दोषी है कि नहीं है वो तो अभी तक साबित नहीं हुआ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन सनातन संस्था इन सारी हत्याओं की आरोपी है, उनमें से कई हत्याओं की, और इससे पहले भी बम ब्लास्ट की आरोपी रही है 2009 से। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये पहले से है। सनातन संस्था इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर गोवा में है और हिंदू जनजागरण समिति और सनातन संस्था ये एक तरह से सेम ऑर्गेनाइजेशन है, सेम हेडक्वार्टर्स है वगैरह। ये लोग हर साल एक हिंदू अधिवेशन करवाते हैं गोवा में, जिसमें वो खुल करके हिंदू राष्ट्र बने इसके लिए वो आह्वान करते हैं। एंड उनके YouTube चैनल में जाइए तो वीडियो आफ्टर वीडियो आफ्टर वीडियो ऑफ पीपल स्पीकिंग एट दैट अधिवेशन अगेंस्ट लव जिहाद, which as we know is a jihad which all of us should lovingly embrace and do because it is interfaith love, it's forbidden love, it's love which these people are scared of। तो ये तो वो करते हैं, लेकिन मैं जो बताना चाहती हूँ कि 2013 में जिस समय नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के और वो गोवा आए हुए थे नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग ऑफ बीजेपी के लिए जून में, उस महीने में उनको उस हिंदू अधिवेशन में बोलने के लिए एक इनविटेशन मिला। वो बोलने गए नहीं, लेकिन उन्होंने एक रिटन मैसेज भेजा वहाँ पर, रिटन मैसेज, वो मैसेज है, उपलब्ध है, और मैं तो चाहती हूँ कि उस मैसेज को लेकर के बात और बहस हो हमारे प्राइम टाइम शोज पे, क्योंकि एक अधिवेशन जो कह रहा है भारत एक संवैधानिक सेक्युलर देश न रहे, हिंदू राष्ट्र बने, मनुस्मृति को मानने वाला हिंदू राष्ट्र बने, उस अधिवेशन को जो सनातन संस्था द्वारा आयोजित है, जिसके लोग 2009 में भी बम ब्लास्ट के लिए आरोपित हो चुके हैं और उसके बाद इतनी सारी हत्याओं में उनके नाम है। नरेंद्र मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि कितना अच्छा है कि आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं, मेरा पूरी मेरी सारी शुभकामनाएं उसके लिए। और उन्होंने उसमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें कही। एक तो उन्होंने इन सारे संगठनों को लेबल दिया है कि ये राष्ट्रवादी हैं, देशभक्ति वाले संगठन है और देश प्रेमी संगठन है। कैसा देश प्रेम, जो देश को हिंदू राष्ट्र में बनाना चाहते हो, ये सेडिशन क्यों नहीं है, ये देश के खिलाफ साजिश क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जवाब दें, जवाब मांगे, तब तो हम तो मांगेंगे, चैनल मांगेंगे कि नहीं मैं नहीं जानती। उसके अलावा उस चिट्ठी में ये है कि उन्होंने कहा है कि हिंदू तो हमेशा अहिंसा के लिए, प्यार के लिए और त्याग के लिए इत्यादि इत्यादि के लिए जाने जाते हैं, वो हमेशा वैसे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाश्वता का प्रतिकार करना हिंदुओं का भाग्य रहा है। तो हिंदू तो अहिंसक हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन पाश्वता का प्रतिकार, विच मीन्स बेसिकली बेस्टियलिटी, टू फाइट बेस्टियलिटी हैज बीन द डेस्टिनी ऑफ द हिंदूज। उसका मतलब है कि आपको हिंसक होना पड़ता है क्योंकि कोई गाय मारता है, क्योंकि कोई हमारी बेटी को उठा के ले जाता है, क्योंकि कोई हिंदुओं के खिलाफ लिखता है, वो सारे तो पशु हैं और उनको मारना यानी इंसान, पशु को आप इंसान से अधिक दर्जा दे दीजिए और इंसान को पशु का भी दर्जा मत दीजिए, उनको पशु बता दीजिए, उनकी हत्या को जायज़ ठहरा दीजिए। ये बात प्रधानमंत्री के उस बयान में भी है जिसमें एक जेंटल हिंट है। इसीलिए एक तरफ वो बोलेंगे गांधी गोडसे की बातें, ऊपर से गांधी और बुद्ध की बातें, माफ करिएगा जुबान पर आ गई गोडसे क्योंकि वही उनके मन में है, वो बगल में गोडसे है और जुबान पर गांधी है। गांधी और बुद्ध की बातें ये कहते हैं, गांधी और बुद्ध के नॉन वायलेंट देश है, गांधी बुद्ध का देश है। लेकिन जब वो सनातन संस्था के हिंदू अधिवेशन को चिट्ठी लिख रहे हैं तो वहाँ उनको नहीं याद दिला रहे कि गांधी बुद्ध का देश है, उनको वो याद दिला रहे हैं कि पाश्वता का प्रतिकार करने के लिए तैयारी हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं, आप करिए, ताकि आप गौरी लंकेश जैसे पशुओं को, पाश्वता वाले लोगों की हत्या कर सकें। ये उसका रीडिंग बिटवीन द लाइंस है। मैं चाहती हूं कि देश का बहस इस पर चले कि ये क्या रिश्ता है सनातन संस्था में जो आतंकवाद की एक्यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और देश के प्रधानमंत्री में क्या रिश्ता है, इसको लेकर के बातचीत होनी चाहिए। और ये बातचीत हम लोग 10 सितंबर के कार्यक्रम में जो पूरे दिल्ली भर में होगा, देश भर में, जहां हमारी ताकत हो, जहां हम कर सकते, क्योंकि ये हमसे डरते हैं, ये हमसे डरते हैं, हम जो करते हैं इससे उनको फर्क पड़ता है, ये उनसे डरते हैं। इसीलिए इस भयानक दुख की घड़ी में भी let us see it as an affirmation of the work we do and let us affirm our work and let us rise up from here with greater courage and conviction and the commitment to match what Gauri was and to live up to what she was and to live up to her work and to continue her work and to do this without any fear in our hearts, because we know that we strike fear in theirs. Thank you very much.